दोस्तों मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों बिट प्ले सेट टॉप बॉक्स है, तो स्मार्ट जोन सेट टॉप बॉक्स है, उसका शॉट भी बिल्कुल सेम है, पहले वीडियो डाली हुई है, फिर भी मैं आपको वीडियो फिर से बनाकर इस नए सेट टॉप बॉक्स की दिखा रहा हूँ। दोस्तों प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों मीनू में जाना है, मीनू में जाने के बाद आपने अपडेट इस लोगो पर जाना है, उसके बाद दोस्तों इसमें आपको फैक्ट्री रीसेट मिलेगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा और अपडेट वाई नेट। यहाँ पर दोस्तों आपको नेट कनेक्ट कर आल, उसके बाद यहाँ पर जूअर इसमें भरा हुआ है, उसके बाद दोस्तों आपने सिर्फ ओके करना है, आपका सॉफ्टवेयर नया आ गया तो ऑटोमेटिकली आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर कैसे निकालना है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने जो पेन ड्राइव डाली हुई है बिल्कुल खाली है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें डंप आपने कर देना है, जहाँ पर आल, यहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर रखना है उसका आपको ऑप्शन देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपने स्टार ओके कर देना है। तो दोस्तों पावर नहीं जानी चाहिए, अगर पावर चलेगी तो आपका सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के नीचे मैं लिंक दूंगा, तो उसको डाउनलोड करके अपने पीसी में रख सकते हैं। अगर आपका सेट टॉप बॉक्स डेड हो चुका है तो उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये ओके हो चुका है, उसके बाद दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा दोस्तों डंप आलबिन, ये फाइल बनेगी, इसका जो साइज होगा 4 MB का होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये दोस्तों इसका जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में, ये इसका लोडर वर्जन है और ये इसकी जो चिप है उसका, और ये 4 MB की फ्लैश जो है, 64 MB इसमें S3 रैम है, ये 12/8/2020 का बना हुआ है, सभी कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो अभी इसको कैसे अपडेट करना है उसके बारे में आपको दिखाऊंगा मैं। अपडेट की दोस्तों दो ऑप्शन है, नेट से और पेन ड्राइव से। यहाँ पर आपने क्या करना है, USB अपडेट कर देना है, उसके बाद यहाँ पर R रखना है और यहाँ पर आपने जो सॉफ्टवेयर है उसको कौन सा है उसको ओके करना है। यहाँ पर लिख कर आ जाएगा आपका सॉफ्टवेयर का नाम, आप बाद में चेंज कर सकते हैं इसको, मैं आपको जब अपडेट करूँगा तो इसका नाम चेंज होगा। यहाँ पर बिट प्ले सेट टॉप बॉक्स से लिखा होगा, इसको आपने ओके कर देना है। तो दोस्तों डोंट कट ऑफ द पावर, अगर आपकी पावर बीच में चली जाती है तो ये सेट टॉप बॉक्स आपका डेड हो जाएगा, जो सिर्फ प्रोग्रामर से रिपेयर होगा, जिसकी वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, और वीडियो के नीचे उसका अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन लिंक भी है, उसको कर सकते हैं। ये पेन ड्राइव से सिर्फ आधे मिनट में आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अभी ये रीबूट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा, ये देखें MPG4 मेक फ्यूचर बेटर बेटर सेट टॉप बॉक्स इसका लोगो है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर इसका हो चुका है, सभी कुछ सेम है, कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को क्लिक करें। इस सॉफ्टवेयर में पहले मैंने बताया है ई कास्ट नाम का ऑप्शन नहीं आई हुई है, अगर आप अपने सेट टॉप बॉक्स पर इसको ट्राई कर सकते हैं, पर ट्राई करने से पहले देख लें, चेक कर लेना कि आप पर ये सॉफ्टवेयर ओके हो गए चढ़ेगा या नहीं सेट टॉप बॉक्स पर। अगर बाई चांस आपने सेट टॉप बॉक्स पर सॉफ्टवेयर कर लिया और आपका सेट टॉप बॉक्स डेड हो गया, तो उसके लिए भी आपको एक प्रोग्रामर मंगाना पड़ेगा, उसका मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है और पहले वीडियो भी डाली हुई है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं।